हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि मेरे पास दो तरह के केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं, तो जिसके बारे में मैं आज आपको डेमो दूंगी। पूरा जो ट्रीटमेंट आपको करके दिखाऊंगी वो है ब्रासिल ब्रांड का। ये मैं क्यों कर रही हूँ हेयर्स पे, क्योंकि हमको आपको ट्रीटमेंट पूरा बताना है और वन डे में कम्प्लीट करना है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे करना है, और इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ में देती रहूंगी कि इसको भी कैसे यूज़ करते हैं। और इसकी आपको पूरा मतलब जब आप देख लेंगे पूरा ब्रासिल ब्रांड का, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या अगर आप डी फैबुलस ब्रांड से भी समझना चाहते हैं कि कैसे होगा केराटिन ट्रीटमेंट, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो इसका भी डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जिन क्लाइंट के ऊपर मैं आपको आज केराटिन ट्रीटमेंट का डेमो देने जा रही हूँ, इनके हेयर्स को लेके थोड़ी मैं आपकी इनके हेयर्स की थोड़ी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने 6 महीने पहले हेयर्स में केमिकल वर्क कराया था रिबॉन्डिंग। तो अब जो रिबॉन्डिंग को 6 महीने हो गए हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ से बालों में देखिए वेव आना शुरू हो गया, इतना वेव आ गया हुआ है और बाल थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। तो इन हेयर्स को हम लोग कैसे ठीक करेंगे केराटिन से, तो इनके ऊपर मैं आज का वीडियो आपको बना के दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, केराटिन को लेके मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो केराटिन है वो हमें हमेशा ओपन एरिया में करना है, जहाँ पे विंडोज़ वगैरह हो, ताकि जो इससे उठने वाला स्मोक है वो आउटर में जाता रहे, क्योंकि ये जो स्मोक होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। और एक बात ये बतानी है कि आपको अगर ये प्रेग्नेंट लेडीज़ कोई हो और वो केराटिन कराना चाहती हैं तो उनको नहीं कराना चाहिए केराटिन, और अस्थमा पेशेंट्स को भी केराटिन नहीं कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं कि हमें केराटिन करना कैसे है। हम क्लाइंट के हेयर्स को ब्लो ड्राई कर चुके हुए हैं, अब हमें केराटिन करने के लिए हमें चाहिए एक बाउल और ब्रशेस चाहिए, कॉम चाहिए सेक्शनिंग करने के लिए, और जो इसका हमारा केराटिन ट्रीटमेंट है वो अब हमको चाहिए इसको करने के लिए। अब इस केराटिन ट्रीटमेंट को मैं इस बाउल में डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे इसके लिए हमें हैंड्स पे अपने ग्लव्स पहन के रखना है और मास्क लगा के रखना है, क्लाइंट को भी मास्क पहनाना है ताकि स्मोक से वो भी बच सके। तो स्टार्ट करते हैं अब आज का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग हेयर्स का एक सेक्शन लेंगे और बाकी हेयर्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट हम लोग सेक्शन क्लिप से भी कर सकते हैं या अदर किसी को पकड़वा के भी कर सकते हैं। सेक्शन को पकड़ के हम लोग इस पर जो केराटिन है उसको लगाएंगे। लगाने के बाद हम लोग इसको कॉम से अच्छे से 7 से 8 बार बालों को कॉम करेंगे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अपने हेयर्स के हर जगह चला जाए। सेक्शन मोटा लेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार कॉम को बीच में से निकाल देंगे। अब हम लोग सेक्शंस निकाल के सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से हम लोग प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे, उस पर बार बार कॉम करेंगे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो बालों में अच्छे तरह से सब जगह लग जाए। सेम वैसे ही हम लोग सेक्शंस लेते जाएंगे और प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते जाएंगे। प्रोडक्ट लगाने के बाद कॉम से अच्छे से उसको करेंगे, मतलब फैलाएंगे प्रोडक्ट को, ताकि हर जगह प्रोडक्ट अच्छे से बालों में लग जाए। प्रोडक्ट को ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है ना कम क्वांटिटी में लेना है, अच्छे से बस सब जगह लगे इतना प्रोडक्ट चाहिए हमको। देखता रहे, कोई गलती है ही नहीं, ये ऐसे इसका प्रोसेस है। बस वो जो आपने इस साइड वाला बनाया था ना उसको पहले डाल देना, या ऊपर वाले सेक्शन का बता देना पहले। इसी तरह हम लोग फ्रंट के सेक्शंस को भी लेंगे।
इस केराटिन का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सेम डे वॉश हो जाता है, तो क्लाइंट को दिक्कत नहीं होती कि वो नेक्स्ट डे आए। कैराफ्यूज़न वाले जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे उसमें हमको नेक्स्ट डे वॉश के लिए आना होता है। बाकी रिजल्ट्स दोनों के अच्छे ही हैं, आप कोई भी केराटिन करा सकते हैं बालों में। कॉम जब करेंगे थोड़ा सा ये ध्यान रखें प्रोडक्ट स्कैल्प के पास ना जाए, स्कैल्प से थोड़ा। फ्रेंड्स, इस तरह आपने देखा कि कैसे हमने जो ट्रीटमेंट था उसको सेक्शन बाय सेक्शन हमने हेयर्स पे एप्लीकेशन करी और कॉम से उसको कैसे स्ट्रेच किया ताकि जो प्रोडक्ट था वो हर हेयर पे अच्छे से एप्लीकेशन हो जाए। तो अब एप्लीकेशन के बाद अब हम लोग बालों में ब्लो ड्राई करेंगे। तो जैसे हम लोग अगर ये ब्रासिल ब्रांड का मैं आपको बता रही हूँ, और जो हमारा दूसरा केराटिन था डी फैबुलस का, उसमें हम लोगों को इसको रखना पड़ता है एप्लीकेशन करके अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर या हेयर्स पे क्या वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको हेयर्स पे रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। बट इसमें हमें क्या होगा कि इसका यही अच्छा फ़ायदा है कि इसको सेम डे और इंस्टेंटली हम इसमें वर्क कर सकते हैं। जैसे हमने अब एप्लीकेशन कर दी तो अब हम लोग इस पर ड्रायर कर देंगे, इसको छोड़ना नहीं है बालों में। तो स्टार्ट करते हैं कि ड्रायर कैसे करना है इस पर। ब्लो ड्राई कंप्लीट होने के बाद अब हम हेयर्स पे सेक्शंस लेके छोटे, उन पे हम लोग अच्छे से स्ट्रेटनर से स्ट्रेटनिंग करेंगे। स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से करेंगे, हर पार्ट पे हम 6 to 7 टाइम स्ट्रेटनर को करेंगे यूज़ में। स्ट्रेटनिंग होने के बाद हम लोग फर्स्ट वॉश देंगे अब इनको, जो कि सेम डे ही है स्ट्रेटनिंग। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इनको वॉश के लिए ले जाएंगे। वॉश हम लोग सिंपल वाटर से पहले सारे प्रोडक्ट को हेयर्स में से निकाल देंगे और फिर जो इस किट में शैम्पू और इसका कंडीशनर आया हुआ है उसको लगा के हेयर्स में छोड़ के और वॉश आउट कर देंगे बाद में। अच्छे से प्रोडक्ट को निकालेंगे हेयर्स में से। हाँ, अब ये कंडीशनर हम लोग लेंगे और इसको हेयर्स में अच्छे से लगाएंगे, थोड़ी देर मसाज करेंगे हेयर्स में और 5 to 10 मिनट छोड़कर हम लोग इसको दोबारा वॉश आउट कर देंगे। हम लोग टॉवल से हेयर्स को स्क्वीज करेंगे अच्छे से ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। हेयर्स को टैंगल फ्री करेंगे हम लोग।
अब मैं इस पे सीरम अप्लाई कर रही हूँ। हम लोग ब्लो ड्राई करके इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा आया हेयर्स पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा केराटिन ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और आप देखिए बालों का टेक्सचर कितना अच्छा हो गया। इसमें इलास्टिसिटी आ गई और जो वेव था बालों के अंदर वो वेव भी चला गया। तो जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं उन पे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये बालों को प्रोटेक्ट करता है और जैसे ड्राइनेस थी वो सब रिमूव हो गई। तो इतना अच्छा रिजल्ट है अब इसका। तो इसके साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म हुई। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं डी फैबुलस ब्रांड से भी आपको बताऊं कि केराटिन कैसे किया जाता है, क्योंकि वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे करना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।